आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 561वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के एपिसोड हमने लगातार दिखाए, 150 से ज्यादा एपिसोड दिखाने के बाद रेल का आवागमन आरंभ हुआ। अभी हम रैक पॉइंट पर खड़े हुए, इस रैक पॉइंट का लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ है। रैक पॉइंट की क्या स्थिति है हम आपको बताने जा रहे हैं, गुणवत्ता किस तरह की है, सुरक्षा किस तरह की है, किस तरह से इसका संधारण हो रहा है। अगर आप हमारे पीछे यहाँ हम आपको दिखाएं, ये देखिए शराब की बोतलें यहाँ पर फूटी पड़ी हुई हैं, जो इस बात की चुगली कर रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ ये शराबखोरी का मैकशों का अड्डा बनकर रह गया है। इसके अलावा यहाँ हमने पिछले साल बारिश के समय आपको दिखाया था कि ये पूरी मोरम यहाँ से बह गई थी, काली मिट्टी डली हुई आपको दिख रही होगी। काली मिट्टी कहाँ तक रिटेन कर पाएगी, कहाँ तक इस सब को यहाँ पर काली मिट्टी कितनी देर रोक पाएगी बारिश में, यहाँ से अगर आप यहाँ आके देखें, यहाँ देखिए ये श्वान एक सो रहा है नीचे, लगभग ये मान लीजिए ये 5-6 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। ये 6 फीट गहरा गड्ढा आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा नीचे तक, इस तरीके की अनेक यहाँ पर ऐसी नालियां बन गई हैं। ये किस तरह का यहाँ निर्माण कराया गया है लगातार ही हमने आपको दिखाया और बताया। ये देखिए इसका जो बेस है, बेस भी पूरा नीचे तक कॉन्क्रीट खत्म होकर नीचे भी जगह दिखने लगी है। हम आपको बता दें, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन के द्वारा दिसंबर 12 दिसंबर 2021 दिसंबर में मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर जो यहाँ काम करा रहे थे, उनके खिलाफ एक पत्र रेल मंत्री को लिखा था। उसका उनके द्वारा 2022 के सितंबर में एक स्मरण पत्र भेजा गया था। अभी हाल ही में डॉक्टर लाल सिंह बिसेन के काफ़ी पत्र और भी सोशल मीडिया पर उनके द्वारा डाले गए हैं कि फला ट्रेन को यहाँ तक बढ़ाया जाए, इस ट्रेन को यहाँ तक बढ़ाया जाए। उनके पत्रों को रेल मंत्री कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा मनीष लावणकर के खिलाफ कार्रवाई की जो अनुशंसा की थी दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 और अगस्त 2023, अर्थात लगभग 20 माह हो चुके हैं, अभी तक मनीष लावणकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं यहाँ जो आपको दिख रहा है। ऐसे बहुतेरे हैं, हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं, आगे हम और बताएंगे कि कहाँ कहाँ इस तरीके की नालियां हैं। खुला आता ये देखिए यहाँ बैठकर ये शराब की एक बोतल, पानी के पाउच, शराब की दूसरी बोतल, शराब की ये तीसरी बोतल आपको दिख रही होगी, शराब की चौथी बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है, शराब की पांचवी बोतल, यहाँ न जाने कितनी शराब की बोतलें पड़ी हुई। यहाँ आसानी से बैठकर इस पर या इस पर बैठकर शराब का सेवन बहुत आसानी से किया जा सकता होगा। सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन साहब, इस बारे में कुछ करिए, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। 2-3 नालियां हमने आपको दिखाई, अब हम दिखा रहे हैं एक वो पुल बना हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ अभी सड़क पक्की नहीं हो पाई है, अभी कच्ची ही सड़क है, लोग धूल भाग रहे हैं। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ देखेंगे, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है और यहाँ भी लगभग 6-7 फीट का गड्ढा, इधर से आप अगर देखते हैं तो लगभग 6-7 फीट का गड्ढा आपको नीचे जरूर दिखाई दे रहा होगा। कितना बड़ा स्थान यहाँ पर बारिश के कारण, और अभी बारिश खत्म नहीं हुई है, अभी बारिश लगातार जारी रहेगी। हम कटंग इलाके की तरफ से इस तरफ आते जा रहे हैं और इसके बाद हम आगे फिर दिखाएंगे। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर किस किस्म की इंजीनियरिंग मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अपनाई गई है, ये इनके प्रमाण हमको दूसरे देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लाल सिंह बिसेन साहब, आप सक्षम हैं,
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात करिए, उन्हें कहिए कि एक टीम यहाँ भेजी जाए, जो टीम यहाँ आए और आकर ये इसकी गुणवत्ता किस तरीके की है, क्या बारिश में पूरे देश में जहाँ पर भी पिचिंग की जाती इसी तरह से पिचिंग बह जाती है, अगर नहीं बहती है तो ये जितना भी काम यहाँ कराया जा रहा है इसके बारे में आप पता करिए कि इसमें मिट्टी कौन डलवा रहा है क्या, और जो कुछ भी हो रहा है वो तकनीकी अमला और उनके जो अधीक्षण करने वाले मनीष लावणकर के वेतन भत्तों से इसकी भरपाई होनी चाहिए, उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए। और आगे हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं जगह जगह कितने गड्ढे हैं। हमने एक आपको उस खंबे के पास दिखाया जहां भी काली मिट्टी, आप देख सकते हैं काली मिट्टी यहां पड़ी हुई है, और काली मिट्टी के बाजू में एक बार फिर यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना गहरा यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप आगे वहाँ जाकर और थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी गहरी यहाँ पर नाली बन चुकी है, किस तरह की इंजीनियरिंग सिवनी में अपनाई जा रही है। देखिए कितने बड़े बड़ी बड़ी नालियाँ हैं यहाँ पर। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपको आप आइए हम आपको दिखाते हैं, 2021 में आपने मनीष लावणकर को के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी, स्मरण पत्र भी भेजा था, और उसके बाद आज स्थिति यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मनीष लावणकर ने यहाँ क्या किया है यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उनका अधीक्षण किस तरह का रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि इसके चलते खराब हो रही है, क्योंकि आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में रेल का रेल मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, आपका मौन भी लोगों को कहीं ना कहीं खटक रहा है। हम और आगे आपको लेकर चलते हैं, वहां दिखाएंगे कि और क्या है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस तरफ से, चार पांच जगह हमने दिखा दिया है, ये एक जगह और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अगर हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, देखिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, किस कदर यहाँ पर काम कराया गया, ये देखिए सीढ़ी ही पूरी की पूरी एक बह गई है। यहाँ एक स्टेप, यहाँ इसके बाद वाला स्टेप जो स्टेप था वो पूरा का पूरा स्टेप ही बह गया है। किस तरीके की कंक्रीट यहाँ उपयोग में लाई गई, किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पन्नी बिछा दी गई थी ताकि मुरम ना बह पाए, और ऊपर ये काली मिट्टी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। काली मिट्टी से पिचिंग कहीं होते हुए आपने देखी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मुरम से पिचिंग करके उसके बाद उसे वाइब्रेटर रोलर चलाया जाता है, पर सिवनी में नहीं चलाया गया है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां आप ये काली मिट्टी, आप देखिए काली मिट्टी यहां पड़ी हुई है। काली मिट्टी के अलावा यहां अगर आप देखेंगे तो नीचे देखिए आप, यहां थोड़ा सा नीचे आप अगर देखते हैं तो आपको पूरा स्पष्ट दिख जाएगा कि कितना यहां पर पूरा नीचे खाली हो चुका है, हालो हो चुका है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहता हुआ मटेरियल आपको दिख रहा होगा, और काली मिट्टी यहाँ अगर हम आपको आगे लेकर चलें, थोड़ा सा आगे हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास ही पास कितनी जगह, यहाँ भी देखिए ये पूरा बहा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे पूरा हालो नजर आएगा, और यहाँ काली मिट्टी डाली गई है। चूँकि मामला तकनीकी है, तकनीकी तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, पर इस सब के बाद भी सांसद बालाघाट डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी की जनता ने आपको जनादेश दिया है, आपको वोट दिया है, आप संसद की सीढ़ियां अगर चढ़ रहे हैं तो इसी सिवनी की जनता के जनादेश के कारण। आपने पत्र लिखे, आप बहुत सारे पत्र लिखते हैं, आपके मनीष लावणकर को के खिलाफ कार्रवाई के पत्र का क्या हुआ, आपने संसद में भी बात उठाई, पर उस सब के बाद भी अभी तक उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। बारिश, जुलाई का महीना चल रहा है और अंतिम सप्ताह है जुलाई का, यहां आपको हम दिखा रहे हैं ये डला हुआ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तकनीकी अमला। आप जनरल मैनेजर को अगर कहेंगे तो जनरल मैनेजर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपके साथ सिवनी और बालाघाट के लोगों का जनादेश है। आपके अधिकार कर्तव्य क्या है ये देखिए, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जीएम डीआरएम ये सारे जनता के सेवक हैं, आप भी जनता के सेवक हैं। ये देखिए काली मिट्टी कहीं डलती है,
पिचिंग में काली मिट्टी डाली गई है। मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर, जिन्होंने अपनी, हम इस बात को लगातार कहते आए हैं, आज भी इस बात को कह रहे हैं कि ये कहीं गुणवत्ता में समझौता हुआ, और उस गुणवत्ता के समझौते को ढांकने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से काली मिट्टी को डाल दिया गया, काली मिट्टी में गिट्टी मिलाकर डाल दी गई है। ये देखिए, कभी आपने काली मिट्टी और गिट्टी का कॉम्बिनेशन देखा है? यहां आपको देखने को मिलेगा। तकनीकी अमले को बुलाइए, दिल्ली से बुलाइए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात करिए, जो रेलवे बोर्ड का टेक्निकल मेंबर हैं उनसे बात करिए, उन्हें बुलाइए, उनको आने के लिए न्योता दीजिए। हम आपको दिखाएंगे, हम तकनीकी अमले को दिखाएंगे कि यहां किस तरीके का काम हुआ है। लिमटी की लालटेन लगातार सजग पर प्रहरी की तरह रेलवे के भ्रष्टाचार को, रेलवे के गुणवत्ता विहीन कामों को उजागर करती आई है। लिमटी की लालटेन के इसी सब के चलते दो झूठी शिकायतें की गई, दोनों शिकायतें झूठी पाई गई, सूचना के अधिकार में वो जानकारी भी सामने आ चुकी है। हम अपने पथ से डिग नहीं रहे हैं, न डिगे हैं न डिगेंगे। ये इसको दुरुस्त करवाया ही जाएगा, भले ही इसके लिए माननीय न्यायालय की शरण क्यों ना लेनी पड़े, पर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, ये आपकी नैतिक जवाबदेही है। इस सब को देखिए, पत्र भर मत लिखिए, चेयरमैन के साथ मीटिंग करिए, प्रभावी तरीके से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बताइए कि साहब इसके कारण रेलवे की छवि खराब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। ये आपको प्रभावी तरीके से बताना होगा किस तरीके का काम यहाँ कराया गया है। और अभी यहाँ उस तरफ हम आपको लेकर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अब कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ हो चुका है, इसलिए रेलवे की पटरियाँ हम बहुत ज़्यादा आपको दिखाने के लिए बाध्य हैं। हम भावनाएं जो रेलवे की हैं, नियम कायदे, उन सब का सम्मान करते हुए हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी रेत और सीमेंट बाहर आ चुकी है, इसकी जांच करवाई जाए, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है इसकी। और आगे तक अगर आप वहां तक जाएंगे तो आपको जैसा हमने यहाँ दिखाया, ऐसे न जाने कितने आपको यहाँ पर गड्ढे दिखाई देंगे, कितने बड़े बड़े गड्ढे यहां देख सकते हैं, कितना बड़ा गड्ढा हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। ये यहां नाली बनाकर बाकायदा नालियां निकाले, आप फोर लेन पर जाइए, फोर लेन पर कुछ कुछ दूरी में नालियां बनी हुई हैं, ऊपर का पानी सड़क का उनके जरिए जाता है, पर यहाँ पता नहीं। और वो फोर लेन भी CPWD के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नियम कायदों और स्पेसिफिकेशंस के तहत बनाई गई है, ये भी उसी के स्पेसिफिकेशन के तहत बनाई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 561वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 562वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।